सो हे वेलकम बैक टू शिवर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। आज की 5 मिनट वी सीरीज में चैप्टर करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही प्यारा चैप्टर। अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब मार दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों शेयर कर दो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाकर फॉलो कर दे। इसके जो नोट्स है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फटाफट जाकर उसको भी चेकआउट कर ले। इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस है ना ऑफ द कंडक्टर। इसको मैं बोलता हूं, इस डेफिनेशन को बहुत प्यार से नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। अगर मैं एवरेज करंट की वैल्यू की बात करूं जो कि बहुत बेसिक सा फॉर्मुला है, दैट इज I equals to Q by T। और चार्ज क्या होता है, ठीक है, चार्ज equals to Q equals to NE, तो NE divided by T। ये आपका हो गया आपके एवरेज करंट की, आपकी मतलब वैल्यू मतलब करंट की। अभी स्टैंडिंग करंट देखो तो डिफरेंशिएशन के टर्म्स में I equals to dQ by dt है ना, dQ by dt। ये आपका हो गया इंस्टेंटेनियस करंट की बात करूं। टोटल चार्ज की बात करूं तो इंटीग्रेशन के टर्म्स में आप देखोगे तो वहां पे आप यहां पे वैल्यू आप लिमिट देखोगे 0 से t टाइम पीरियड तक, तो यहां पे आपकी इंटीग्रेशन में I dt आपका फॉर्मुला हो गया, ठीक है। अब करंट डेंसिटी की बात करूं, करंट डेंसिटी वेरी वेरी बेसिक सा फॉर्मुला होता है इसका, कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप इसे लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय रेसिस्टिविटी। ये आपका फॉर्मुला होता है आपका करंट आपका डेंसिटी का। तो बहुत बहुत बेसिक सा फॉर्मुला है, आपको ये याद रखना है, टैग इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब बात करता हूं मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ नहीं होती, इसका बहुत एक बेसिक सा फॉर्मुला है जो कि आपके कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि करंट के रेस्पेक्ट में I इक्वल्स टू N A V D E। अब यहां पे N जो है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, A आपका एरिया है, I आपका करंट, और V D जो है आपकी, ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो V D का रिस्पेक्ट में यहां पे आप पूरा फॉर्मूला निकाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू करंट। तो ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, कभी आपको N दिया, आपको कभी N निकालने को पूछ रहे थे, कभी आपको V D निकालने को पूछ रहे थे। तो ये आपके आपस में टर्म्स में चीजें चलती रहती है। इसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्मूला करंट डेंसिटी के रिस्पेक्ट में भी आपके यहाँ पे फॉर्मूला इसमें गिवन है, और ये सारे आपके कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी के आपके बेस्ड पर आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन। बट मेन जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है ये I is equals to N A V D E। अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ तो आपको ऑलरेडी बचपन से आपको पता ही है, ओम्स लॉ V is equals to I R है ना, ये तो आपको पता ही है सबको है ना। इसमें आपको अगर ओम्स लॉ की बात करूं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका पोटेंशियल होता है। तो वही चीज यहां पे लिखी गई है, I is directly proportional to V। तो यहां से आप निकालोगे I is equals to 1 by R into V, दैट इज V is equals to I R, जो कि मैंने आपको यहां लिखा। यहां पे आपको जो स्लोप गिवन है, आप ये देखो, ये आपका जो आपका ग्राफ गिवन है, क्योंकि V एंड I के रिस्पेक्ट में आपका ग्राफ दिया गया है, ये जो आपका यहां पे बन रहा है, ये आपका जो स्लोप है ना, आपको जो tan थीटा होता है स्लोप है ना, ये आपका कितना है V by I, that is equals to R है ना। ये आपको याद रखना है ना, इसको आप ऐसे देखो, तो आपके V हो गया, तो आपका tan थीटा कितना होता है V upon I, that is equals to R। तो जो स्लोप है आपका V I के ग्राफ का, वो आपको रेजिस्टेंस देता है। अब बात करने वाला हूं मैं रेसिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब यहां पे एक बहुत बेसिक सी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कुछ चीज गिवन है। क्या लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर राइज होगा, तो रेसिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे आपकी डिक्रीज होगी। रेसिस्टिविटी आपकी जो यहाँ पे वो डिक्रीज हो रही होगी है ना, ये आपके यहाँ पे चीज लिखी गई है। आई होप की चीज समझ में आ गई होगी। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होती है वो शेप ऑफ द रेसिस्टर के बेसिस पे चेंज नहीं होती। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा नहीं है, पर आप मेरी बात सुनो। अब अगला जो टॉपिक है वो है कंडक्टेंस। भाई कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब 1 by R। रेसिस्टेंस R होती है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 by R, इट इज इक्वल टू कंडक्टेंस है ना। ये बहुत बेसिक वो आपको ग्राफ को उल्टा कर दिया है, I और V का ग्राफ हो गया है। तो यहां पे आकर मैं बात करूं, दैट इज इक्वल टू कंडक्टेंस, दैट इज 1 by R, ठीक है। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, मो होती है ना, मो है ना। कंडक्टेंस की यूनिट आपकी साइमन हो गई या फिर मो हो गई, ठीक है। अब कंडक्टिविटी की बात करते हो, कंडक्टिविटी क्या होता है, पहले मैंने कंडक्टेंस बात की, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, उसको बोलता हूं मैं कंडक्टिविटी है ना। इसका जो यूनिट होती है आपकी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। डायमेंशन फॉर्मुला आपको यहां पे गिवन है, M-1 L-3 T 3 A 2। अब मैं बात करता हूं रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। आपको ऑलरेडी पहले से पता है सीरीज में रेसिस्टेंस क्या होगी, सबको ऐड कर दो, R1 + R2 + R3। पैरेलल में 1 by R, 1 by R, R1 + 1 by R2 + 1 by R3, सो सो ऑन। अब यहां पे एक बहुत बेसिक चीज लिखी, मान लो अगर R1 एंड R2 रेसिस्टेंस जो है वो मान लो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उनका नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, उसके डायरेक्ट फॉर्मूले यहां पे गिवन है, R1 R2 upon R1 plus R2। एक सीधी सी चीज लिखी हुई है, दो वायर है यहां पे जिनकी रेसिस्टिविटी R आपकी रो1 और रो2 है ना, और इनका जो लेंथ है वो L1 एंड L2 है। तो उस केस में जो आपकी इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी आएगी वो आपकी R1 L1 plus R2 L2 upon R1 plus R2। अगर मैं ये बात करूं सेम पैरेलल के केस में, और यहां पे एरिया गिवन है A1 एंड A2 और रेसिस्टिविटी रो1 एंड रो2 गिवन है, उस केस में जो आपकी इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी आएगी वो कुछ इस प्रकार आ रही होगी, पैरेलल में कनेक्टेड है तो रो1 रो2 A1 plus A2 divided by रो1 A2 plus रो2 A1 है ना, ये आपकी होगी रेसिस्टिविटी के केस में। अब मैं बात करता हूं ईएमएफ ऑफ अ सेल। भाई ईएमएफ ऑफ अ सेल क्या होती है, भाई एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू ड्राइव यूनिट चार्ज
अराउंड द सर्किट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि ईएमएफ फोर्स के नाम से भी यहाँ पे मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। ये सेल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं छोटा सा यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा सर्किट है। यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे आपका सेल लगा हुआ है, वी वोल्टेज आपका करंट आई है, आर रेसिस्टेंस है, और आपका आर जो है वो इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ पे गिवन है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ईएमएफ यहाँ पे बात करूँ, ईएमएफ कितना होगा, इज इक्वल्स टू आपका जो दैट इज वी प्लस आई इंटू आर, ये आपका हो गया ईएमएफ ऑफ द सेल। अगर मैं ओम्स लॉ के बेसिस से बात करूं, है ना, आर जो है स्मॉल आर आपका वो इंटरनल रेसिस्टेंस, और आर जो मैंने आपको दिखाया वो तो मेन आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जुड़ा ही हुआ है। यहाँ पे अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है, ये आपको पता है। तो आई वी यहाँ पे क्या है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ई अपॉन आर, मतलब दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। आपका एक तो रेसिस्टेंस है आर और आपका एक इंटरनल रेसिस्टेंस है स्मॉल आर, तो दोनों का सीरीज कितना हुआ आर प्लस स्मॉल आर। तो आर प्लस स्मॉल आर आपने आप देख सकते हो, ये हो गया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट। ठीक है, करंट हो गया, है ना। आप वोल्टेज वी देखो, वी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है। आई आपका कितना है, आपका आई ये वाला ये चीज है जो मैंने आपको यहाँ से आपने पुट करी, और आपका आर जो हो गया आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, तो ये आपका वोल्टेज हो गया वी। पावर डिलीवर सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब होगी, जब आपका जो कैपिटल आर होगा वो स्मॉल आर के इक्वल हो जाएगा, और वहां जो आपका फॉर्मुला आएगा वो आएगा ई स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय 4 आर। ठीक है, यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ सेल लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ सेल आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आपका जो ईएमएफ होगा सीरीज के अंदर वो आपका एनई होगा, एनई टाइम्स हो जाएगा एनई, है ना, पैरेलल में आपका ई हो जाएगा, अगेन आपका ग्रुप में आपका एन इंटू ई हो जाएगा। आई जो होगा आपका उसके केस में आपको मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बताया था, तो आपको सेपरेट सेपरेट केसेस में हो गया। पर्पस क्या है इस कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन का पर्पस क्या है, मोर वोल्टेज रिक्वायर्ड, सीरीज में मोर वोल्टेज चाहिए, पैरेलल में आपको मोर करंट चाहिए, और यहाँ पे अगर मैं आपको ग्रुपिज्म बात करूं, ग्रुप्स बात करूं ग्रुप के अंदर, तो इसके अंदर आपको मोर पावर चाहिए, है ना। तो प्लीज एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उस चीज का, है ना, बाकी मैं नोट्स में आपको आपके ऑलरेडी गिवन है। अब जूल्स हीटिंग इफेक्ट के अंदर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है, जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस वी आपका अप्लाइड हो रहा है बिटवीन द एंड्स ऑफ अ रेसिस्टर, आपके एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है, उस केस में जो आपका वर्क डन होगा वो होगा वी इंटू की, वी इंटू क्यू, वी मतलब आपका है पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू आपका चार्ज है, तो इसको आप इसको एक्सपेंड करोगे, दैट इज वी इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू वी क्यू आपका कितना होता है आई टी, तो वी आई टी हो गया, फिर आप इसको आई स्क्वायर आर टी भी लिख सकते हो। तो ये आपके वर्क डन का फॉर्मुला हो गया जूल्स हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग। रेट एट विच द वर्क इज डन, किस चीज को मेंटेन करने के लिए, करंट इन द सर्किट, है ना, इसको बोलते हो इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम W बाई टी, तो आपका यहाँ पे हो गया वी इंटू आई मतलब आई स्क्वायर आर, या फिर आप लिख सकते हो वी स्क्वायर बाय आर। तो ये बहुत ही आपका बहुत बार यूज होता है वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मुला, है ना। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू होती है पावर की आपको ऑलरेडी पता है वॉट होती है या फिर होती है जूल पर सेकंड, तो ये आपके आपके इलेक्ट्रिक पावर हो गया। अब यहाँ पे हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसका फॉर्मुला अलग है, वो कितना होता है आपका वर्क डन बाय जे, दैट इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, है ना जी। आपका इसको पूरा इसको एक्सपेंड करोगे तो आपका ये वाला फॉर्मुला आ रहा होता है, बट ये काफी कम बार यूज करा जाता है। इससे जो ऊपर वाली चीज बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूज वायर में देखो, फ्यूज वायर बहुत ही बेसिक सा फॉर्मुला, जो आपका करंट है आई वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्यूज वायर के अंदर, किसमें, फ्यूज वायर की हम बात करें आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। तो इस पे काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्यूज वायर के अंदर आपका हायर होना चाहिए रेसिस्टेंस, हाई होना चाहिए रेसिस्टेंस, है ना, हाई रेसिस्टेंस, और लो होना चाहिए आपका मेल्टिंग पॉइंट, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए फ्यूज वायर का। और जो आपकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है फ्यूज वायर की वो इंडिपेंडेंट होती है उसके लेंथ से, है ना। अब मैं बात करता हूँ बल्ब जो है मान लो कनेक्टेड इन सीरीज है, सीरीज एंड पैरेलल की बात करते हैं, सेम हीट टाइम टेकन हो रहा होगा, मतलब T1 + T2, है ना, यहाँ पे हम कनेक्ट सीरीज में कर रहे हैं। इफ दे कनेक्टेड इन पैरेलल तो उस केस में आपका कितना यहाँ पे टाइम टेकन हो रहा होगा, वो हो रहा होगा T1 T2 / T1 + T2। ये आपको बिल्कुल रेसिस्टेंस जैसा नहीं लग रहा। किरचॉफ्स लॉ का पहला जो लॉ होता है वो क्या कहता है, वो कहता है जो एल्जेब्रिक सम है पूरे आपके जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक करंट है मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो, उसका यहाँ पे जीरो है, आप देख सकते हो। मतलब यहाँ पे देखो I1 और I2 आ रहा है, तो मतलब I1 + I2, है ना, और ये आपके वापस वापस दूर जा रहे हैं, तो मतलब I3 - I4 - I5, ये आपका जीरो है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि I1 + I2 = I3 + I4 + I5। तो ये आपका ये बस बताना चाह रहा है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि आपका जो एल्जेब्रिक सम है किसका, अब ईएमएफ की बात हो रही है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की, वो यहाँ पे कितना है, वो यहाँ पे जीरो है ना। ये जो है आपका एमीटर के बारे में आपकी चीजें हैं, एमीटर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता तो आपको कुछ ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होता पूरा सर्किट। मेन जो आपका करंट है वो आई है मान लो यहाँ पे, ठीक है, मेन करंट आपका यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आई जी यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, यहाँ जो बचा हुआ बना आपका I - IG, क्योंकि आपका एस रेसिस्टेंस की तरफ जा रहा है, IG × RG / I - IG। तो ये आपका फॉर्मुला है पूरा यहाँ पे इस जो आपको मैंने बात की रेसिस्टेंस का, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए मैंने लिख दिया। मानो बहुत छोटा हुआ मेन करंट आई से, तो यहाँ पे आपका वैल्यू जो आपको डायरेक्ट लग जाता है, आप इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हो, दैट इज IG × RG / I, आप इस चीज को नेगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये याद रखना है कि आइडियल एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। यहाँ पे देखो एमीटर बना ही ऐसे मैनोमीटर में यहाँ पे एक शंट एस हमने स्मॉल यहाँ पे रेसिस्टेंस डाला है, जिसकी वजह से एमीटर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, रेसिस्टेंस क्या होगी आपके एमीटर की, वो होगी RG × S आपके स्मॉल शंट का रेजिस्टेंस अपॉन RG + S। ठीक है, वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर में कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सीरीज में यहाँ पे रेजिस्टेंस आर ऐड कर दे रहे हैं गैल्वेनोमीटर में, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो गया। अगर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू
आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा आई जी इंटू आर प्लस आई जी आर जी। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है मैक्सिमम पोटेंशियल का, और यहाँ से रेजिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो। मीटर ब्रिज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीटर ब्रिज में कुछ नहीं है आपका, यहाँ बड़ा सा आपको देखने को मिल रहा है मीटर ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के यहाँ पे मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है मीटर ब्रिज, याद रखना है ना। ये आपकी एल है, 100 - L आपकी वाली लेंथ हो गई है ना, ये आपका आर रेसिस्टेंस है। बाकी अगर यहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्मुला निकालो बैलेंस कंडीशन का, तो डायरेक्टली मीटर ब्रिज में आपका ये फॉर्मुला होता है, तो आपको ऑलरेडी पहले से पता है एस इक्वल टू 100 - L अपॉन एल इंटू आर। तो आई होप कि तुम ये चीज समझ में आ गई होगी, मीटर ब्रिज का फॉर्मुला बहुत ही प्यारा सा। सो आई होप कि तुमने आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद और चैप्टर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बोलो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और फटाफट जो उसके नोट्स उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे विद अस, गुड बाय बाय।